जी आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइब अ पीस ऑफ वर्क यू डिड क्विकली, यानी आपने किसी ऐसे अपने काम के बारे में बताना है जो आपने आपको लगता है कि क्विकली आपने जो है उसे किया हो। और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए you should say what work it was and why you did it quickly, how easy or difficult it was, and explain what the result was. यानी इन पॉइंट्स को जो है आपने अपने माइंड में रखना है और फिर सब पॉइंट्स पे जो है आपने डिस्क्रिप्शन अपनी देनी है। और इसके लिए सैम्पल आंसर हम देखते हैं, साथ साथ उसको एनालाइज भी करते जाएंगे, रेड वर्ड्स और ब्लू वर्ड्स को नोट करते जाएं। Okay. जी फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग मैं करती हूँ, उसके बाद आप करेंगे। I would like to talk about a piece of work that I had to do quickly. यानी मैं ऐसे piece of work के बारे में बताना चाहूंगी I had to do जो मुझे करना पड़ा था quickly. Piece of work ऐसे काम को कहते हैं जिसमें किसी की पर्सनल एफर्ट्स जो है वो शामिल हो, यानी हमारा कोई जाती नोयत का काम जिसमें हमने अपनी पर्सनल एफर्ट्स जो हैं वो शो की हूँ। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन, विच वाज द प्रिपरेशन फॉर अ 2-minute टॉक इन द IELTS स्पीकिंग टेस्ट। अब ये फ्रेज देखें 2-minute टॉक, इसके अंदर जो साइन यूज किया गया है उसे कहते हैं हाइफन। अब हाइफन जो है इसे कहाँ यूज किया जाता है? दो एडजेक्टिव्स को मिलाने के लिए, दो नाउन्स को मिलाने के लिए, सही। यानी दो वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं कंपाउंड वर्ड उसे कहते हैं ना, सो हम उनको मिलाने के लिए जो है हाइफन यूज करते हैं एडवर्ब्स को मिलाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं अ गुड लुकिंग पर्सन, अ 2-minute साइलेंस। तो 2-minute गुड लुकिंग, इनके दरमियान जो है यही वाला साइन जो है यूज किया जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, सही। ओके एंड दिस वर्ड इज हाइफन, यस हाइफन, HYPHEN। पंक्चुएशन में हम इनका यूसेज सीखते हैं ना जहाँ पे। ओके जी जी बिल्कुल। जी IELTS speaking test, the one that I am taking at the moment, यानी वो IELTS speaking test that I am taking at the moment, at the moment means यानी present time, ऐसा वक्त जो उसी वक्त जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सही। For example हम कह सकते हैं Arfa is not present at the moment, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, राइट। ओके जी नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग आप करें। ओके आई जस्ट फिनिश्ड दिस प्रिपरेशन अ फ्यू सेकेंड्स अगो, मैंने जस्ट 2 सेकंड पहले ही इसकी तैयारी मुकम्मल की है। व्हेन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीकिंग टेस्ट बिगन, जैसे ही दूसरा पार्ट उसका स्पीकिंग टेस्ट का शुरू हुआ, आई वॉज गिवन अ टॉपिक विच रिक्वायर्ड मी टू डिस्क्राइब समथिंग आई हैड डन इट क्विकली। मुझे एक टॉपिक दिया गया जिसमें ये कहा गया था कुछ डिस्क्राइब करने को, और वो मैंने बहुत जल्दी से मुकम्मल कर लिया। ओके इट्स बिगेन एंड ये फ्रेज है कि विच रिक्वायर्ड मी, ये इसी टॉपिक पे बोलते हुए एंड लिखते हुए आपको जो है इसे आपने यूज करना है, विच रिक्वायर्ड मी। और इसके बाद हम हमेशा जो है टू और फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जो भी एक्शन हमने करना हो। इट मीन्स यानी मुझे ऐसा करना था, यानी मुझे ऐसा करना पड़ा, आई हैड टू डू, जिसके लिए मुझे ये करना पड़ा। विच रिक्वायर्ड मी टू डिस्क्राइब, विच रिक्वायर्ड मी टू राइट, विच रिक्वायर्ड मी टू रीड, राइट। ओके required me to write. Yes, आगे देखिए। Personally, I think that was a really difficult topic, and it was even more challenging since I had only 1 minute to prepare for the talk. I had to think really fast, right? इसमें जो सीखने वाली पॉइंट है वो ये फ्रेज देखिए, मोर चैलेंजिंग, यानी आप अपने किसी टॉपिक के बारे में, किसी टास्क के बारे में, पीस ऑफ वर्क के बारे में लिखना चाह रहे हैं, सो उसकी डिस्क्रिप्शन करते हुए आप भी इसको रिलेट करेंगे, मोर चैलेंजिंग, यानी जो आपके लिए बहुत क्रूशल हो, करना भी जरूरी है, थोड़ा वो आपको डिफिकल्ट भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी है, सो आप उसको किस तरह से रिलेट करेंगी, मोर चैलेंजिंग टास्क, एंड व्हाई इट्स मोर चैलेंजिंग, उसको डिस्क्राइब भी करना है कि चैलेंजिंग क्यों था, जैसे यहाँ पे बताया गया है, आई हैड ओनली 1 मिनट टू प्रिपेयर फॉर द टॉक, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट जो है वो सोचने के लिए टाइम था। ओके जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। राइट मैम, जैसे आपने कहा बिगेन है, लाइक वी विल प्रोनाउंस इट एज अ बिगेन, नॉट बिगन, एंड द सेकंड थिंग जी मोर चैलेंजिंग, पता कैसे चलेगा जी जी हाँ एग्जैक्टली किस तरह से पता चलेगा। डिस्क्राइब इट फर्स्ट, बिगेन जो है ये एक वर्ब है, और जो वर्ब्स होते हैं उनको प्रोनाउंस करते हुए हम उनके, अगर तो वो 2 सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल मीन्स उनके 2 पार्ट्स हैं, जैसे बिगेन 1 सिलेबल होता है जिसमें 1 वावल साउंड आ रही हो, जैसे बिगेन, राइट, बी और गेन, इसमें 1 सिलेबल वावल साउंड आ रही है, दूसरे में भी साउंड आ रही है वावल साउंड। सो अगर तो जो वर्ब्स हैं ये 2 सिलेबल हो तो हम उनके 2nd सिलेबल को जो है स्ट्रेस करते हैं, यानी उनको थोड़ा सा लंबा करके बोलते हैं, राइट, इट्स बिगेन, इट्स नॉट बिगेन, इट्स बिगेन, बिगेन, फॉर एग्जांपल इट्स नॉट फॉरगेट, इट्स फॉरगेट, ओके। और जो नाउन्स होते हैं और एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर वो 2 सिलेबल्स हों तो हम उनके 1st सिलेबल पर स्ट्रेस करते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनको एज अ नाउन भी यूज किया जा सकता है और एज अ वर्ब भी, जैसे रिकॉर्ड और रेकॉर्ड, सही, रिकॉर्ड को जब एज अ नाउन यूज किया जाएगा तो हम उसके 1st सिलेबल पर स्ट्रेस करेंगे, रेकॉर्ड, ठीक है, लेकिन जब उसे एज अ वर्ब यूज किया जाएगा तो इट विल बी रिकॉर्ड, एंड देन स्ट्रेस ऑन 2nd सिलेबल, रिकॉर्ड, यस। और इसमें आपने क्या पूछा, मोर चैलेंजिंग, या मोर चैलेंजिंग लाइक एनी टफ टास्क, यानी कि एक थोड़ा a crucial one, a difficult one, right, sure, okay जी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, इसकी आप रीडिंग करें जी। The first thing I needed to do was to choose a piece of work to talk about. तो पहली चीज जिसकी I needed to do, जिसकी जरूरत थी करने के लिए, to choose a piece of work, कोई आसान सा काम जिस पर मुझे बोलना था वो मैंने उसका इंतखाब किया, एंड दिस वाज द हार्डेस्ट पार्ट, और ये सबसे मुश्किल करना था अच्छा इंतखाब करना था, एंड दिस वाज द हार्डेस्ट पार्ट, और ये बहुत ही मुश्किल तरीन एक हिस्सा था। एट फर्स्ट आई थॉट अबाउट अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, एकदम जो पहले मैंने सोचा वो मेरे जहन में यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट का सोचा, एक दैट आई हैड टू फिनिश इन 5 days, जो मैंने 5 दिनों में मुकम्मल किया था, बट देन आई वाज़न्ट श्योर, लेकिन मैं उसके बारे में इतने यकीन से नहीं कह सकता था, वेदर 5 days टू कंसीडर्ड क्विक एनफ फॉर दिस टॉपिक, कि क्या 5 दिन को एक कंसीडर किया जा सकता है कि उन 5 दिनों में वो टॉपिक को कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना, उसको क्विकली, तो उसको इस तरह से कंसीडर किया जा सकता है, क्विक इनफ फॉर दिस टॉपिक, ओके। इसमें जो ग्रीन वर्ड्स हैं, चूज एंड कंसीडर्ड, इसके लिए आप सिनोनिम्स बताएं, यानी इसकी जगह हम और कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। वाज टू चूज, was to select, बिल्कुल सही, and considered, it's considered, is suggested. Suggested नहीं, consider इसको G. Considered synonyms. If I'm thinking like synonym, कोई चीज suggest करना, recommended इस तरह से मेरे mind में आ रहा है कि whether 5 days is considered like someone taken 5 days, right? Is taken यानी उनको समझा जाता है, उनको लिया जाता है. They perceived भी हम कह सकते हैं, understood भी हम कह सकते हैं, right? Okay. उसके बाद I was not sure, I wasn't sure. ये phrase भी note कर लें. इस expression को भी आप use कर सकती हैं इसी task को जो है relate करते हुए. I was not sure, यानी मुझे यकीन नहीं था. I was not hoping. जैसे I am not sure about it. ऐसा होगा या नहीं होगा. और जब किसी दूसरे से हम बात करते हैं, उससे पूछना हो तो हम कहते हैं Are you sure? You are not sure. I am sure. I am not sure. I was sure. I was not sure. Right? You got it now? You got it now.